आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन की बहुत ही चटपटी टेस्टी सी रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी पांडे और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। वीडियो आप पूरा देखिएगा, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो आज हम बनाएंगे बैंगन भाजा, जिसे बनाना बहुत आसान है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले हमें इसका मसाला तैयार करना पड़ेगा। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून 2 बड़े चम्मच भर के बेसन लिए हैं, और यह बेसन के साथ हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये कलर भी बहुत प्यारा देता है, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा का पाउडर और गरम मसाला मिक्स करके 1 टेबलस्पून, और इसके साथ धनिया पाउडर ऐड किया मैंने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून या थोड़ा सा ज़्यादा, जितना स्वाद आपको पसंद हो मसालों का। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कांदा लहसुन मसाला, आपके पास ये हो तो ऐड करिए और ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हम अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर या तो चाट मसाला 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे हम इसमें, और नमक यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून के आसपास ऐड कर रही हूँ। और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेसन में थोड़ी सी गुठलियाँ होती हैं, आप पहले उन्हें छान लीजिए या तो आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, इसका पाउडर का मसाला बन के तैयार है। अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, और बस अब क्या करना है, ये हमें साइड में रख देना है। आपको ध्यान देना है कि आपको ये काम सबसे पहले करके ख़त्म कर लेना है। तो चलते हैं बैंगन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये बैंगन ली है, आप देख सकते होंगे, जो थोड़ी मोटी बड़ी साइज़ की आती है, जिसका हम चोखा वगैरह बनाते हैं, भरता वगैरह। तो ये वाली बैंगन ले ली है मैंने, आप बैंगन देख के लीजिएगा, कोई भी इसमें होल वगैरह ना हो, अंदर कीड़े हो सकते हैं। यहाँ पे बैंगन को अच्छे से वॉश कर लिया मैंने और पूरा पोंछ के साफ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे गोल गोल टुकड़ों में कट करना है। कट आप अपनी मनपसंद आकार में, तो मैं नहीं बोलूँगी गोल गोल ही कट करिए, लेकिन मोटाई आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे थोड़ा मोटा कट कर लीजिए, या आप चाहे तो इसे एकदम पतला कट कर लीजिए। मैं ना ही इसे बहुत मोटा कट कर रही हूँ, ना ही बहुत पतला, ये देख पा रहे होंगे आप, मैंने 1/2 इंच की व्यास पे इसे कट किया है, मतलब थोड़ा पतला मीडियम रखा है मैंने। और यहाँ पे ये सारे बैंगन मैंने कट कर लिए। 2 बैंगन लिए थे मैंने, जिसमें एक बैंगन को मैंने मसाला लगा के साइड में रख दिया है, और दूसरे बैंगन जो मैंने कट किए वो भी मैं मसाले में ऐसे इस तरह से कोट कर लूँगी। आपको इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, आप बैंगन को ऐसे कट करिए और ये मसाले में इसको अच्छे से कोट करिए। आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना है, अगर आप बैंगन काट के रख देंगे तो आपका बैंगन जो है वो ब्लैक हो जाएगा, काला पड़ने लग जाएगा। इस वजह से आप पहले मसाला तैयार कर लीजिए, फिर बैंगन को धो करके पोंछ लीजिए और डायरेक्टली मसाले में कोट करके ऐसे एक प्लेट में रख दीजिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, सारे बैंगन को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और एक प्लेट में साइड में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे बैंगन रेडी हैं। 2 बैंगन लिए थे मैंने, मतलब 1/2 kg के लगभग थे, और 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। इसमें जो नमक होता है वो पानी रिलीज़ करता है, मॉइस्चराइज़र, और ये इसके बाद कुछ देर बाद हमारे बैंगन कुछ इस तरह से हो जाएंगे। इसके बाद हमें एक पैन रखना है, एक बड़ा सा तावा मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि अब हमें इसे फ्राई करना है। तो कम तेल में हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, सैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तावे पे तेल डाल लीजिए, और इसके बाद में सारे एक एक बैंगन भाजा रख लीजिए जो भी हमने बैंगन का बनाया है, और इसे हम एक तरफ पका लेंगे। जब एक तरफ से पक जाए, लगभग 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे एक तरफ पकने देंगे, और जब पक जाए फिर हम इसे पलट देंगे। पलट पलट करते हुए हम इसे अच्छे से पका लेंगे, तब तक जब तक कि हमारे बैंगन पक नहीं जाते और इसके साथ में ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से करने से हमारा जो बैंगन के ऊपर हमने मसाले की कोटिंग की है, वो कोटिंग भी नहीं निकलती, और हमारा बैंगन एकदम मसालेदार चटपटा बन के तैयार होता है। और जो हमने थोड़े टाइम तक इसे रखा था मसाले में कोट करके, इससे जो इसका मसाला है वो अंदर तक जाता है और हमारे बैंगन अंदर तक बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे एक बार फिर पलट दिया है, और इस तरह से सारे हम बैंगन भाजा को तैयार कर लेंगे, और ये बनके तैयार है। आप इसे दाल चावल खिचड़ी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, या तो आप इसे ऐसे ही सॉस के साथ तुरंत क्रिस्पी सा करके खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आई होप गाइस आपको ये बैंगन भाजा की रेसिपी पसंद आई होगी, तो अपने घर में ट्राई करिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।